आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं अपना सोल्डिंग आयरन। ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। ठीक है, चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं इसको। ठीक, बाकी काम हाथ से। ये हमारा निकल गया बॉक्स, वॉकर्स का है ये सोल्डिंग आयरन, फ्लिपकार्ट से मंगाया था। प्राइस इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक, चलिए ओपन करते हैं इसको। यहाँ से ओपन होगा। ठीक है, तो ये ऐसे ओपन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे हाथ में आया है कि सेलो टेप, इसे इलेक्ट्रिक टेप कहते हैं। इसका यूज़ कहाँ होता है आपको पता होगा। और ये है आपका सोल्डिंग आयरन का स्टैंड, देख सकते हैं मेटल का है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी। और क्या है, ये तीन चीज़ें आपको दिख रही होंगी, एक टेस्टर है और एक है आपका, हम तो चिमटी कहते हैं, उसी के जैसे कुछ है, और एक शायद सोल्डिंग आयरन की नॉब दे रखी है। ठीक, अब क्या क्या आया है, तो ये है हमारा असली सोल्डिंग आयरन मेटल का, वायर काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, नेक्स्ट बहुत सी चीज़ें हैं। ये आपका है वायर स्ट्रिपर, बड़े काम आता है, खाली वायर नहीं, इससे और भी चीज़ें स्ट्रिप हो जाती हैं अपने से किनारे। पन्नी के अंदर आप तीन चीज़ें देख रहे होंगे, ये आपका है सोल्डिंग आयरन वायर। ठीक है, और ये आपकी है जंपर वायर, जहाँ पे अनसोल्डिंग करनी होगी वहाँ पे जंपर वायर की यूज़ होगी। और ये आपका क्विक ब्राइट सोल्डर, इसकी हेल्प से आप इसको फिर भी पेस्ट कर सकते हैं सोल्डिंग आयरन की मदद से। तो ये सारे आइटम हैं हमारे पास, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है प्रोडक्ट की। फ्लिपकार्ट से इसे ऑर्डर किया था, 300 रुपये का हमें पड़ा है। इसको कैसे यूज़ करना है इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अपने। थैंक यू।